अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं साग। आज का जो हमारा व्लॉग है वो एक साग पर है। तो व्यूअर्स, किन किन लोगों को पसंद है हमारे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो व्यूअर्स, ये हमने गांव से मंगवाया है ताज़ा साग। साग है, मेथी है, पालक है और इसमें बाथू है। ये चारों चीज़ें हमने मिक्स करके साग बना रहे हैं व्यूअर्स। तो ये हमने अपने पुप्पो के गाँव से मंगवाया है, कसूल से। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये गांव का एक बेहतरीन, बहुत ही अच्छा तोहफा है और ये बहुत से लोग शौक़ से खाना पसंद करते हैं। ये गांव का वाकई ही एक अनमोल तोहफा है व्यूअर्स, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। सर्दियों के दिनों में अक्सर लोग साग बना के रखते हैं और तीन तीन चार चार दिन साग भी अगर खाया जाए तो इससे बंदा नहीं अकता। तो व्यूअर्स, ये देखें, अभी हम पका रहे हैं इसको। पहले हमने इसको 12 बजे इसको काटा है, काट के तो 12 बजे के व्यूअर्स हम शुरू हुए हैं। तो अभी तक हम बना रहे हैं व्यूअर्स, अभी आई थिंक टाइम हो गया 5:30 का। तो अभी तक हम इसे बना रहे हैं, तो अभी पक रहा है। तो व्यूअर्स, ये देखें, अभी जैसे ये पक जाएगा तो फिर हम आपको वो भी वीडियो इसमें दिखाएंगे व्यूअर्स। अभी बस ये थोड़े टाइम में ये पक जाएगा, उसके बाद फिर हम इसे करेंगे, ग्राइंड करके उसके बाद फिर इसे तड़का लगाएंगे व्यूअर्स, और फिर इसमें मक्खन डाल के तो फिर हम रोटी के साथ खाएंगे व्यूअर्स। और किन किन लोगों को पसंद है, कौन कौन से मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी बहनें खाना पसंद करती हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा व्यूअर्स। हाँ, तो व्यूअर्स, ये देखें, हमारा जो साग, हमने साग बना रहे थे, अच्छी तरह उबाइल हो चुका है। तो अभी हम इसको कर रहे हैं ग्राइंड, जो कि हम देसी तरीके से कर रहे हैं, ग्राइंडर मशीन के साथ भी लोग करते हैं। तो उसके साथ जल्दी तो हो जाता है, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये देखें, अभी हम इसको देसी तरीके से जैसे गाँव के लोग करते हैं, इस तरह हम इसको ग्राइंड कर रहे हैं। तो ग्राइंड करने के बाद अभी हम थोड़ा सा ग्राइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने बनाया तो बहुत ज़्यादा है, 4-5 किलो हमने साग बनाया है। तो अभी हम थोड़ा सा कर रहे हैं, इसके साथ हमारा डिनर भी हो जाएगा, हमारा नाश्ता भी हो जाएगा। तो व्यूअर्स, बाकी का जो साग है वो फिर उसके बाद हम ग्राइंड करेंगे। तो व्यूअर्स, ये देखें, हम देसी तरीके से ग्राइंड कर रहे हैं, और किन किन लोगों को ये हमारा तरीका पसंद आता है और कौन कौन से लोग ये साग को खाना पसंद करते हैं, वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। और जिन लोगों को वीडियो हमारी पसंद आती है, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सबसे बढ़कर उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अच्छा व्यूअर, जो साग हमने ग्राइंड कर लिया था देसी तरीके से, हमने ग्राइंड किया था, तो अभी हम इसको लगाने लगे हैं तड़का। ये देखें, हमने टमाटर, प्याज और घी इसमें डाल दिया है। तो व्यूअर, कुछ लोग खाली घी का तड़का भी लगा लेते हैं, लेकिन मुझे तो इस तरह पसंद है, जब इसमें प्याज टमाटर डाला जाए तो इसका तड़का लगे, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मेरी मिसेज कह रही थी कि हम वैसे ही तड़का इसका लगा लेते घी का, लेकिन मैंने कहा नहीं, प्याज टमाटर इसमें डाल के तड़का लगाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अभी हमने ये देखे तड़का लगा रहे हैं इसमें, फिर हम साग को ऐड करेंगे और फिर हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे। तो हाँ व्यूअर्स, ये देखें, इसमें हमने रेड मिर्च भी ऐड कर दी है और नमक भी ऐड कर दिया है। वैसे तो हमने साग में हरी मिर्च डाली थी, लेकिन इसमें रेड मिर्च भी हमने ऐड की है और इसमें नमक भी हमने ऐड कर दिया है। तो अभी ये इसका हम घी को अच्छी तरह पकाएंगे, जैसे ये तड़का लग जाएगा तो इसमें फिर अपना साग जो है वो हम ऐड कर देंगे। तो अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, तड़का हमारा लग चुका था, तो अभी हम इसमें साग ऐड कर दिया हमने। तो व्यूअर्स, ये देखें, मेरे तो मुँह में अभी से ही पानी आ रहा है और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, अभी डिनर हम लोगों ने ना करना है। तो व्यूअर्स, आज साग की वजह से हमारा जो डिनर है वो लेट हो चुका है, टाइम आई थिंक 10 बजे का हो चुका है। तो व्यूअर्स, ये देखें, अभी हमने इसको जो हमने तड़का लगाया था साग ऐड कर दिया है। तो अभी अच्छी तरह जब ये तड़का लग जाएगा, साग बन जाएगा तो फिर हम अपना डिनर करेंगे और उसके बाद फिर हम रेस्ट करेंगे। तो अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, अभी हमारा जो साग है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, इसमें से अभी हल्की हल्की भाप निकल रही है। सो मेरी मिसेज ने अभी पूरा रेडी कर लिया है, तैयार कर लिया, तड़का जो हम लगा रहे थे वो लग चुका है और रोटी भी हमने, ये देखो व्यूअर्स, बनाई है। तो व्यूअर्स, ये एक गाँव का बहुत ही ये अहम एक तोहफ़ा है। तो मैंने अपनी फूफो से मंगवाया था ये गाँव से, तो अभी हमने रेडी किया है। अभी 10 बजे हम अपना डिनर करने लगे हैं व्यूअर्स।
तो अगर आप लोगों को हमारी सारी वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद है कि हमारी वीडियो आप लोगों को वाकई ही पसंद आई होगी। तो व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।